ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। यहाँ बॉलीवुड है, इसे माया नगरी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ आंकड़े हमें डरा रहे हैं। आंकड़े हैं बच्चियों से बलात्कार के। जी हाँ, नाबालिग मासूमों से घिनौनी हरकतों के आंकड़े बताते हैं कि माया नगरी की चकाचौंध में महिलाओं बच्चियों की जिंदगी कभी भी घुप अंधेरे से भर सकती है। दरअसल गैर सरकारी संगठन प्रज्ञा फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच मुंबई में दर्ज हुए रेप के कुल मुकदमों में 61% मामले पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिगों के यौन शोषण के थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में शहर की पुलिस पॉक्सो एक्ट के 3,360 मामलों की जांच कर रही थी, जिनमें कुल 2,438 मामलों की जांच साल के अंत तक पूरी नहीं हो पाई थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इन भयावह आंकड़ों के मद्देनजर मानव संसाधनों के बेहतर बुनियादी ढांचे, जैसे कि ज्यादा विशेष अदालतों, जजों और प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों की मांग की है। पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि अपराध की संज्ञान से एक साल के भीतर मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए, ताकि शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके और लंबी कार्यवाही को रोका जा सके, ताकि पीड़िता की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। बाल और महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रीति पाटकर ने कहा, हमारे फील्ड वर्क से यह पता चला है कि पॉक्सो एक्ट मामलों की जांच में समय लग रहा है और कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है। कुछ मामले ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में पीड़िता की अनिवार्य मदद का प्रावधान है, इसलिए यह सहायता उसे उपलब्ध करानी चाहिए। सिस्टम को अधिक बाल सुरक्षित और पीड़ित हितैषी बनाया जाना चाहिए। जब मामला ट्रायल के लिए जाता है तो पीड़िता की सुरक्षा के लिए अधिक जगह होनी चाहिए। वहीं प्रज्ञा फाउंडेशन के CEO मिलिंद मस्के ने कहा, बाल यौन शोषण को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मुताबिक ऐसे भी कई मामले हैं जहां नाबालिग लड़कियां रोमांटिक रिश्तों में हैं, लेकिन चूंकि सहमति की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए इसे बलात्कार माना जाएगा और अपराध दर्ज किया जाता है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।